कोरोना महामारी से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना भारत में फैल रहा है, ऐसे लगता है कि जल्द ही भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। भारत में गुरुवार तक 6.26 लाख केस आ चुके हैं। इस संख्या के साथ ही हम चौथे स्थान पर हैं, लेकिन बात करें सक्रिय मामलों की तो इसमें भारत अब तीसरे नंबर पर आ चुका है। दरअसल अमेरिका में फिलहाल 15,14,613 सक्रिय केस हैं, जिसके साथ वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, जहां सक्रिय केस 5,23,216 हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर भारत है, जहां सक्रिय केस का आंकड़ा 2,27,439 हो गया है, जबकि रूस जो कि चौथे नंबर पर आ गया है, यहां सक्रिय केस 2,22,504 हैं। कुल मामलों की बात करें तो यहां अभी भी दुनिया में सबसे अधिक केस अमेरिका में है, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। अमेरिका में भारत से करीब 4.5 गुना केस हैं, ब्राज़ील में भारत से 2 गुना से अधिक केस हैं। मौत के मामले में भी अमेरिका और ब्राज़ील की हालत दुनिया में सबसे ख़राब है। इधर भारत में भी कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक गुरुवार को भारत में 21,000 से ज़्यादा केस आए, ये भारत में एक दिन में आए सबसे अधिक केस हैं। वेबसाइट के मुताबिक इस दिन भारत में तकरीबन 378 मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 18,000 पार कर गई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.